हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आज के लेक्चर का अपना मोटिव है स्ट्रिंग में जो जनरेट होती है वेव्स उसकी वेलोसिटी डिराइव करना और उस पे बेस्ड अच्छे डेरिवेशंस न्यूमेरिकल्स डिस्कस करना। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो हमारा मोटिव है पहले स्ट्रिंग में वेव्स। मान लें ये है आपकी एक स्ट्रिंग, ध्यान देना स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी मान ले ये न्यू केजी पर मीटर। तो आपको समझ में आएगी क्या बोला मैंने, केजी पर मीटर मतलब यूनिट लेंथ में कितनी मास, इसे अपन क्या बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो एक स्ट्रिंग मान ले इसमें ट्रांसवर्स वेव जनरेट हो गई, ये जा रही है। तो एक वेव जनरेट हो गई, वेव की वेलोसिटी है वी। तो वो कैलकुलेशन से जरिए तो अपन निकाल ही सकते हैं कि हमारे पास एक स्टैटिक फॉर्मूले की जरूरत है हमें, हम वो डिराइव करने जा रहे हैं। इस वी का, इस वेव वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला होगा क्या? तो मान लो एक छोटा सा पोर्शन स्ट्रिंग का एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर लें। ये जो देखो दिखाया मैंने यहां पर, नहीं देखा तो जूम करके देखना, एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर लो, इसकी लेंथ है डीएल। लेकिन इतने छोटे से पोर्शन में आपको नजर नहीं आएंगी चीजें, तो मैं काम करता हूं जूम करके बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं इसका। तो छोटे से पोर्शन को जूम कर दिया मैंने और ये आपके सामने, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है डीएल। अब आप बताइए कि जो छोटा सा पोर्शन डीएल दिखाया मैंने यहां से बड़ा करके डायग्राम को, क्या ये डीएल वी स्पीड से भाग रही है आगे? हमें मालूम है कि वेव्स में मैटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, सिर्फ एनर्जी दौड़ती है, पार्टिकल वहीं का वहीं रहता है ना। तो पार्टिकल तो यही, पार्टिकल आगे नहीं जा रही, यहां पार्टिकल का कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। तो वेव मोशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन हो रहा होगा, मतलब ये जो डीएल पार्टिकल है, यहां पे छोटा सा पार्ट दिखाया मैंने, इसका वर्टिकल ऑसिलेशन तो हो रहा होगा ऊपर नीचे, लेकिन आगे नहीं दौड़ रही। क्लियर बॉडी? हम मान लें हम वेव के ही फ्रेम में काम करते, वेव के फ्रेम में काम करने का मतलब क्या हो जरा ध्यान देना। मान लो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सिस्टम को एक कार्ट पे बैठ के, एक गाड़ी पे बैठ के, ये इसी स्पीड से दौड़ रही है। आप बताओ, मैं पूछूं कि जो डीएल पार्टिकल है इसका ग्राउंड फ्रेम में हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है, तो क्या बोलेंगे आप? जीरो। ग्राउंड फ्रेम में देखोगे तो ऊपर नीचे ही करता नजर आएगा, पार्टिकल तो आगे जा नहीं रही है ना, वेव मोशन में मैटर ट्रांसपोर्ट तो होता नहीं। इसलिए मैंने क्या करा कि मैंने एक गाड़ी ले ली, एक व्हीकल ले लिया जो उसी स्पीड से दौड़ रही है जो वेव की स्पीड है। तो हॉरिजॉन्टली तो ये डीएल रेस्ट में है, लेकिन इस पे बैठ करके ऑब्जर्व करोगे, अगर आप इस गाड़ी पे बैठ के ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये डीएल पीछे भागता हुआ नजर आएगा, ये नजर आएगा पीछे भागता हुआ वी स्पीड से, है ना। मगर ये तो वैसे ही होगी, ट्रेन में बैठते हैं अपन तो अगर मान लो 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेन भाग रही है तो खिड़की से बाहर देखो तो लगता है कि पेड़ जा रहे हैं 10 मीटर से पीछे, तो वही कहानी है। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत सारी किताबों में ऐसा बोलते हैं कि वेव के फ्रेम में देखो, वेव के फ्रेम में देखने का मतलब ये हुआ कि या तो स्ट्रिंग पे बैठ के भी आप देख सकते हैं या फिर ऐसे गाड़ी में बैठ जाओ जो उसी स्पीड से भाग रही है जो वेव की स्पीड है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली जो डीएल पार्ट है हॉरिजॉन्टली तो आगे बढ़ नहीं रहा, ये तो वर्टिकल ऑसिलेशन होगा सर्विस का। तो अगर आप इसमें बैठ गए तो ये डीएल आपको पीछे भागता हुआ नजर आएगा। अब ये डीएल जो मैंने पार्टिकल स्ट्रिंग का, ये जो स्ट्रिंग का पार्ट दिखाया है, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा कंसिडरेबल टेंशन में चेंज नहीं होगी। अगर ये इधर खिंच रही होगी टेंशन टी से, तो जाहिर है कि ये भी इधर खिंच रही होगी टेंशन टी से। इस छोटे से पार्ट की बात करें अगर, तो ये छोटा सा पार्ट एक सर्कल के जैसा बिहेव करेगा। इस गाड़ी पे बैठ के देखोगे लगेगा कि छोटा सा जो पार्ट है ये इस सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये ऐसा बह रहा है वी स्पीड से। क्लियर है बॉडी? तो टेंशन टी यहां की, टेंशन टी यहां की, क्योंकि बहुत स्मॉल पार्ट है, अगर थोड़ा कंसिडरेबल डिस्टेंस लोगे अगर, तो ये टेंशन भी वेरी करेगा, है ना। तो ये एंगल मान ले थीटा वर्टिकल के साथ, तो जाहिर है ये एंगल भी थीटा। टेंशन के दो कंपोनेंट्स ध्यान दें प्लीज, ये थीटा तो ऑल्टरनेट्स, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। वैसे बस एंगल डिसीजन क्या है, मैंने कौन सी कमाल की चीज है, ये थीटा तो ऑल्टरनेट एंगल थीटा, ये टेंशन टेंजेंशियल ये रेडियस है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल, तो ये थीटा। तो टी के दो कंपोनेंट्स, ये आ गया टी
कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा, ये थीटा तो वैसे ही, ये भी थीटा जैसे मैंने आपको यहां पे बताया। तो स्टेशन डी का कॉम्पोनेंट ये टी कॉस थीटा, ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट टी साइन थीटा। तो स्ट्रिंग का ये जो छोटा सा पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, ये छोटे से पार्ट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रही है टी कॉस थीटा, तो दोनों बैलेंस कर रही होंगी, ये दोनों कॉम्पोनेंट्स बैलेंस्ड अपोजिट है। टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, ये दोनों कॉम्पोनेंट्स लग रहे हैं सेंटर की तरफ। एग्जैक्टली देखने को तो कोई कहेगा कि सर ये सेंटर की तरफ कहां लग रही है, सेंटर की तरफ इसका कॉम्पोनेंट, लेकिन इतना छोटा सा पार्ट है ना ये डीएल, इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट ये टी साइन थीटा किधर से गुजर रहा होगा, सेंटर से ही। तो देखने में ना देखें स्ट्रिक्टली अगर बात करें तो टी साइन थीटा ऐसा लग रहा है कि सेंटर से अवे, सेंटर की तरफ तो ये होगा ना डायरेक्शन, लेकिन ये इतना छोटा सा, ये आपको इतना बड़ा दिखाया मैंने, इतना स्मॉल पार्ट है ये कि लगभग ये सेंटर की तरफ ही नजर आ रहा है। ये दो जो फोर्सेस हैं, अब जो गाड़ी पे बैठा जो बंदा है उसे नजर आया कि जो डीएल जो पार्ट है ये छोटा वाला वो भग रहा है पीछे की स्पीड से एक सर्कुलर मोशन करता हुआ। तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल फोर्स की बढ़ती है जरूरत, वो कौन प्रोवाइड करेगा, जाहिर है सेंटर की तरफ लगने वाली दो फोर्सेस हैं, ये टी साइन थीटा और ये टी साइन थीटा। तो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड होगी 2t साइन थीटा, और ये जो छोटा सा पार्ट है डीएल लेंथ का, इसका मास मान लेते हैं अपन डीएम एम वी स्क्वायर बाई, मान लो कि जो सर्कल छोटा सा बना है इसका रेडियस है आर, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। अब ध्यान दें 2t साइन थीटा इज इक्वल टू डीएम, मास निकाल सकते हैं अपन, देखो रेडियस आर है मान लिया मैंने, और ये टोटल एंगल कितना है 2 थीटा, तो डीएल बराबर हो जाएगा आर इंटू 2 थीटा, लिख सकते हैं अपन ऐसा ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर वाले फॉर्मूले से, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, एल इज इक्वल टू डीएल जो स्मॉल लेंथ है इज इक्वल टू आर, थीटा जो आर का जो एंगल है वो है 2 थीटा। तो डीएम को लिख सकते हैं अपन, देखो यूनिट लेंथ में मास है न्यू, एक मीटर में मास है न्यू, तो इतनी लेंथ में कितनी मास होगी, न्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, मतलब डीएम जो है वो आ गया आपका न्यू इंटू आर टू थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। मैंने जो सेगमेंट कंसिडर करा है यहां पे डीएल वो बहुत स्मॉल लेंथ है, तो अगर ये डीएल बहुत छोटा होगा तो बड़ी जाहिर सी बात है कि एंगल थीटा भी काफी स्मॉल होगी, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा अगर बहुत छोटी सी है इसका मतलब साइन थीटा is nearly equal to theta। ये छोटे वाले अप्रोक्सीमेशन आपको पता है ना, ये याद होना जरूरी है, डेरिवेशन में नजर आ जाते हैं बार बार। थीटा अगर स्मॉल हो तो चलो मैं अभी टॉपिक से हटके दो एक सेकंड के लिए बात करता हूं, थीटा अगर स्मॉल हो, अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज नियरली इक्वल टू वन, टेन थीटा, तो टेन तो साइन बाय कॉस ही होता है ना, तो साइन बाय कॉस करोगे थीटा ही आ जाएगा, थीटा बाय वन थीटा। ये अप्रोक्सीमेशन की रहती है, जरूरत रह रही कि अपन इस्तेमाल करेंगे, ये अपने को पता होना चाहिए। तो अभी याद हो 2t साइन थीटा, साइन थीटा की जगह लिख दिया हमने थीटा, ये आ गया न्यू आर टू थीटा वी स्क्वायर बाई आर, जो काट पिट कर सकते हैं आप वो कर दें, मतलब ये टू कैंसिल, थीटा कैंसिल और ये आर कैंसिल, मतलब आ गया टी इज इक्वल टू न्यू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई न्यू, वी इज इक्वल टू आ गई यहां से बोलिए अंडर रूट टी बाई न्यू। तो स्ट्रेंथ पे जो वेव्स जनरेट होंगी उन वेव्स की वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, स्ट्रेंथ के टेंशन पे, जितनी ज्यादा टेंशन उतनी ज्यादा स्पीड वेव की, तो जितना ताना जितना टाइट होगा धागा उतनी ज्यादा वेव की स्पीड होगी। आप ये प्रैक्टिकली फील भी कर सकते हो, मान लो कि एक तार ले लो, एक वायर ले लो, लूजली अगर वाउंड रखोगे तो हल्का झटका दोगे तो ट्रैवल तो करेगी, लेकिन टाइट रखोगे उसे और थोड़ा सा झटका दोगे अगर तो वो झटका ज्यादा स्पीड से भागेगी, ये आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं। और मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी हैवी होगी स्ट्रेंथ वेव की वेलोसिटी उतनी कम होगी। तो इसे भी आप प्रैक्टिकली, मोटी रस्सियों में स्पीड थोड़ी कम होगी, अगर मान लो पतली रस्सी है तो ज्यादा तेज भागेगी, आप नजर आ रही है आपको वेलोसिटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के, और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी के। जितनी ज्यादा टेंशन, जितना ज्यादा तनाव होगा स्ट्रिंग में, उतनी ज्यादा होगी वेव की वेलोसिटी। जितनी हल्की स्ट्रिंग होगी आपकी, उतनी ज्यादा होगी वेव की वेलोसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, न्यू ज्यादा तो वी कम, न्यू कम तो वी ज्यादा। तो ये है फॉर्मूला के पास वेलोसिटी ऑफ वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। एक अल्टरनेट मेथड और भी है वेव्स में वेलोसिटी निकालने का, और वो भी आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से फाउंडेशन बनेगा एनर्जी का। जो एनालिसिस में ऑल्टरनेट मेथड में बताने जा रहा हूं अभी, वो भी आप जरूर से सीखें, क्योंकि अगर आप वो सीखेंगे तो ही फिर एनर्जीज के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे। तो जल्दी से आप वीडियो पॉज की सारी चीजें नोट कर लें, हम इसके ऑल्टरनेट डेरिवेशन पे चलते हैं। अब आइए बात करते हैं अपन वेव वेलोसिटी के ऑल्टरनेट प्रूफ की। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव में अगर कॉन्सेप्ट चाहिए आपको तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे जस्ट अनदर डेरिवेशन की जैसे ट्रीट ना करें। मैं स्टार्ट करने से पहले एक एजम्पशन बताने जा रहा हूं, जिस एजम्पशन का इस्तेमाल अपन वेव्स में एनर्जी के टाइम पर पावर इंटेंसिटी हर जगह करेंगे। तो एक जनरल एजम्पशन क्या है वो सुनिए, जनरल एजम्पशन से नोट कर लें, क्योंकि हर बात बहुत सारी किताबों में डायरेक्टली लिखते भी नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे जरूरी बात यह कि जितने भी हम वेव में डेरिवेशंस देखेंगे, हर जगह हम कंसीडर ये करेंगे कि ऑसिलेशंस स्मॉल है। स्मॉल ऑसिलेशंस का मतलब होता है स्मॉल एम्पलीट्यूड। जनरल एजम्पशन ये होगा कि जो भी रिजल्ट डिराइव करोगे, हर रिजल्ट में मान के चलेंगे कि ऑसिलेशंस स्मॉल है। ऑसिलेशन स्मॉल का मतलब क्या हो गया, स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब हो गया स्मॉल एम्पलीट्यूड। ये कहलाता है ना एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो हम जितने भी डेरिवेशंस करेंगे, हर जगह जो रिजल्ट्स आए हैं वेव मोशन के अंदर, वो सारे रिजल्ट्स वैलिड तभी हैं जब ऑसिलेशंस स्मॉल हो। ऑसिलेशन स्मॉल कहने का मतलब कि एम्पलीट्यूड स्मॉल हो। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, इसका फायदा क्या है जरा वो देखो। देखो मैं फायदा बता रहा हूं। मान लीजिए वेव किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ करा, ये एंगल थीटा, और ये एम्पलीट्यूड इसका मान लो ए। तो स्लोप क्या हो गया इस पॉइंट, इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो गया, स्लोप क्या होता है टैन थीटा, स्लोप होता है टैन थीटा। अगर ऑसिलेशन स्मॉल होंगी मतलब एम्पलीट्यूड कम होगा। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर एम्पलीट्यूड कम होता, अगर ये एम्पलीट्यूड ए अगर ये कम होता जाएगा तो ये एंगल भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और ये एंगल अगर कम होगी तो स्लोप काफी स्मॉल होगा, मतलब स्मॉल। फिर से बता रहा हूं, छूट गए तो फिर से देख लो। अगर ये एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा तो ये टेंजेंट का एंगल भी कम होता जाएगा, है ना। तो अगर एंगल अगर कम होगा, थीटा की वैल्यू कम होगी, थीटा स्मॉल होगी तो टैन थीटा भी स्मॉल होगी, टैन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा हो जाता है, थीटा स्मॉल हो तो टैन थीटा भी स्मॉल, टैन थीटा स्मॉल मतलब स्लोप स्मॉल। तो स्मॉल ऑसिलेशंस का मतलब स्मॉल एम्पलीट्यूड, और इसका एक मायना और भी है, स्मॉल एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया कि स्लोप, स्लोप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल क्यों इस्तेमाल करते हैं, पहले आप पिछला पुराने लेक्चर से बता चुका हूं मैं, क्योंकि वेव की इक्वेशन वाई जो है वो फंक्शन होती है एक्स और टी दोनों की। तो एक्स हमें स्लोप की बात कर्व्स में करते हैं ना, तो वेव इक्वेशन कर्व की तरह कब ट्रीट करते हैं उसे अपन, जब टी फिक्स हो, इसे पुराने लेक्चर से बता चुका हूं। एनीवे स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो स्लोप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल। हो सकता है आने वाले डेरिवेशंस में, आने वाले रिजल्ट्स में ये बातें मैं डिस्कस ना करूं, हो सकता है किताबों में बहुत जगह भी लिखा ना मिले, लेकिन हर जगह ये जनरल असम्पशन है कि जो भी वेव के रिजल्ट्स आपको मिले हैं, एनर्जी के, पावर के, इंटेंसिटी के, वेलोसिटी के मिलाने जा रहा हूं मैं, वो सारे रिजल्ट्स वैलिड तभी हैं जब वेव के ऑसिलेशन माने जाए स्मॉल। स्मॉल ऑसिलेशन मतलब स्मॉल एम्पलीट्यूड, और स्मॉल एम्पलीट्यूड मतलब स्मॉल फ्लो। कैसे आपको समझाया मैंने अभी, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर से नोट कर लें। अब मैं लौटता हूं अपने टॉपिक पे, मुझे चाहिए वेव वेलोसिटी। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो आप, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, कोई हाँ एक्सिस भी मान सकते हो, लेकिन ये स्ट्रिंग है जब कोई वेव इसमें जनरेट नहीं हुई। तो स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लो,
स्ट्रिंग का एक छोटी सी लेंथ कंसिडर कर ली स्ट्रिंग की हमने डेल्टा एक्स लेंथ की, जब वेव जनरेट हो गई तो यही डेल्टा एक्स स्ट्रेच होके यहां वाला पार्ट यहां पहुंच गया, यहां वाला पार्ट यहां पहुंच गया। तो पहले इतनी लेंथ की वेव्स आ गई तो स्ट्रेच हो गई, वेव्स आती है टेंशन होगी तो ही आती है, अभी फॉर्मुला भी देखा आपने, तो स्ट्रेच होगी इतनी बड़ी हो गई। तो बहुत छोटी सी लेंथ है तो टेंशन बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगी। तो इस वाले पॉइंट पे मान लो कि टेंशन है पी और हॉरिजॉन्टल से एंगल इसका थीटा वन मान लेते हैं, और इस वाले पॉइंट पे टेंशन टी जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा टू मान लेते हैं, बड़ा सा लिख देता हूं थीटा टू। अब इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स टी कॉस थीटा वन और इधर टी साइन थीटा वन, माफी चाहता हूं ये भी तो कॉस ही होगा, टी कॉस थीटा टू। देखो ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, क्यों, थीटा वन थीटा टू तो डिफरेंट है, कैसे बैलेंस कर लेंगे। तो अभी आपको बताया मैंने कि डेरिवेशन का जो बेसिक पार्ट है वो जो बेसिक थीम है वो क्या है, जो ऑसिलेशन को स्मॉल मानते हैं अपन, तो ऑसिलेशन स्मॉल मानेंगे तो सारे एंगल्स स्मॉल होंगे आपके, तो थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो कॉस थीटा इज नियरली इक्वल टू वन, थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो कॉस थीटा इज नियरली इक्वल टू वन, तो ये भी हो जाएगा कॉस थीटा वन, ये भी कॉस थीटा वन, लगभग बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे को। इसका एक कॉम्पोनेंट जो है ये देखो मीन पोजिशन की तरफ ही लग रहा है इधर P साइन थीटा टू, और इसका जो है ये P साइन थीटा वन। अभी छोटा सा जो पार्ट है देखो ये वाला जो ये डेल्टा एक्स यहां पे था स्ट्रेच होके इतना जो हो गया, ये जो छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं ये छोटा सा पार्ट जाना किधर चाहेगा, इस पे नेट फोर्स जो है नेट फोर्स वो कितनी लगेगी, टी साइन थीटा वन माइनस टी साइन थीटा टू या टी साइन थीटा टू माइनस टी साइन थीटा वन। आप देखो मेरे पढ़ाया था ना पिछले लेक्चर्स में कि कोई भी वेव का जो पार्टिकल है वो फॉलो करता है पीछे वाले पार्टिकल को, वेव मान लेते इधर ट्रेवल कर रही वेलोसिटी से इस तरफ, तो ध्यान दें इसके पहले का पार्टिकल कहां है नीचे, मतलब जो छोटा सा लेंथ है ये भी नहीं, इस डीएल के पहले का पार्ट देखो तो वो नीचे की तरफ है इसलिए ये भी कहां जाना चाहेगा नीचे, वेव इधर से आ रही है ना तो जो इधर हो रहा है थोड़ी देर बाद वही आगे भी होगा, तो अगर अभी ये वाला पार्ट नीचे है तो थोड़ी देर बाद ये वाला पार्ट नीचे होगा, है ना, इसलिए नेट फोर्स कितनी हो गई इसमें टी साइन थीटा टू माइनस टी साइन थीटा वन। नेट फोर्स बराबर क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो छोटे से पार्ट हमने डेल्टा एक्स लेंथ की स्ट्रेंथ ली थी हमने, तो डीएम इंटू एक्सीलरेशन, टी कॉमन कर दें तो आ गया साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन। डीएम को लिख सकते हैं न्यू इंटू डीएस, मास पर यूनिट लेंथ वही न्यू जो अभी लिखा था मैंने पहले पार्ट के फर्स्ट वाला डेरिवेशन में। एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होता है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट वही है ना वाई, तो डेल वाई अपॉन डेल टी क्या होगा पार्टिकल की वेलोसिटी, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर क्या हो जाएगा पार्टिकल का एक्सीलरेशन। तो कोई सोचता है कि एक्सीलरेशन कहां से वेव में आ गई, अरे वेव की एक्सीलरेशन नहीं है ये, वेव तो वी स्पीड से दौड़ रही है, ये पार्टिकल का एक्सीलरेशन है। एक सेकंड रुक जाओ भाई फोन आ गया। हाँ ध्यान दीजिए लिख सकते हैं अपन यहां से, अब ध्यान दो साइन थीटा टू की जो थीटा वन थीटा टू जो एंगल्स दिखाई दे रहे हैं आपको ये एंगल्स छोटे से एंगल्स हैं, कंडीशन बता दी मैंने शुरुआत में ही, तो साइन थीटा टू को लिख सकते हैं अपन थीटा टू, साइन थीटा वन को लिख सकते हैं थीटा वन, यह आ गया न्यू डीएक्स या डेल्टा एक्स लिख दो, डीएक्स न्यू डेल्टा एक्स बोला ना उधर, मैं इन सब बातों पे ज्यादा जोर नहीं देता लेकिन चलो ठीक है लकीर के इधर पकड़ने वाले बंदे हो तो डेल्टा एक्स है भाई, डेल्टा एक्स लिखा था इधर, तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैसे लिखा ना थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा बराबर थीटा, और थीटा स्मॉल हो अगर तो थीटा इज नियरली इक्वल टू टैन थीटा भी लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं ऐसे, मतलब ये थीटा टू को चाहे तो लिख सकते हैं आप टैन थीटा टू माइनस टैन थीटा वन। ध्यान देना इस वाले पॉइंट को मान लो पी नाम दे दूं मैं, इस वाले पॉइंट को क्यू नाम दे दूं, थीटा वन जहां पे वो पी, थीटा टू जहां पे वो क्यू,
तो टैन थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ना, मुझे अब मिटाना पड़ेगा ये, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे सब। आप देखो कि टैन थीटा बराबर होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो टैन थीटा टू कौन से पॉइंट का स्लोप है, जरा गौर करिए डायग्राम में जो मैं बोल रहा हूं, सुनते सुनते हुए नोट करते हुए जरा गौर करिए। टैन थीटा टू ये कौन से पॉइंट का स्लोप है, थीटा टू है पॉइंट क्यू पे है ना, तो इसे चाहे तो लिख सकते हैं यहां से, ध्यान दे मुझे भी दोस्त नहीं कहां शुरू कहां खत्म। देखो इधर थीटा वन है पॉइंट पी, तो टेन थीटा वन पॉइंट पी का स्लोप और टेन थीटा टू मतलब पॉइंट क्यू का स्लोप, तो इसे लिख सकते हैं अपन चाहे तो न्यू डेल्टा एक्स डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स होता है स्लोप आपका, लेकिन टेन थीटा टू मतलब कौन से पॉइंट का है, ये है क्यू का, माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स यह है स्लोप पी का। आप ध्यान दे रहे, इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं आगे, एक बात बताओ डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इसे मैथमेटिकली मैथ्स में कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, देखो इसे लिख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स लिख सकते हैं ना, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है। डेल वाई बाई डेल एक्स क्या है, स्लोप है, और स्लोप को भी चेंज डिफरेंशिएट करें मतलब ये क्या हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, कैसे रखा मैंने यहां पर फिर से कॉल करो, ये तो लिख सकते हैं मैथमेटिकली डेल वाई बाई डेल एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स है स्लोप और इसे भी डिफरेंशिएट करें मतलब कि स्लोप में भी चेंज निकाल रहे हो आप, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, मतलब के अगर इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में निकालना चाहे तो डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पे स्लोप कितनी है डेल वाई बाय डेल एक्स एट पी माइनस डेल वाई से मतलब निकालना चाहे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, तो चेंज ऑफ स्लोप कितना हो गया डेल वाई बाय डेल एक्स एट क्यू माइनस डेल वाई बाय डेल एक्स एट पी, ये जो स्लोप में चेंज हुआ है कि स्लोप डिक्रीज हुई है ना, और लेंथ कितनी लेंथ में इस दौरान लेंथ कितनी कवर हुई, ये स्ट्रेच लेंथ नहीं स्ट्रिंग की लेंथ तो डेल्टा एक्स थी ना, तो बाई डेल्टा एक्स, मतलब आप चाहे तो लिख सकते हैं यहां से अगर डेल्टा एक्स लिख दूं मैं तो आ गया डेल्टा एक्स या डेल एक्स डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स एट क्यू माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स एट पी, इसे मान लो फर्स्ट, यहां पे जो लगे लेकर आए थे अपन इसे मान लो सेकंड। अब आप देखें ये जो चेंज इन स्लोप है डेल वाई बाय डेल एक्स की वैल्यू एट क्यू माइनस पी वो यहां से उठा के आप यहां रख सकते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये आ गया न्यू डेल एक्स, न्यू डेल एक्स इंटू डेल स्क्वेयर वाई by del t square is equal to t, और ध्यान से देखना जरा ये जो है del y by del x at q minus del y by del x at p इसके जगह पे लिख सकते हैं आप del x into del square y upon del x square लिख सकते हैं, तो यहां से del x cancel, wave equation क्या पढ़ी थी हमने, condition for wave equation क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था कंडीशन फॉर वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ध्यान दें हमने वेव इक्वेशन पढ़ा था, वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हमने पिछले लेक्चर में डिराइव करा, बाकायदा एक टॉपिक वीडियो डाला मैंने इस पे, ये रिजल्ट यहां भी रखने का है
और बताने की याद अगर ना रख सको तो डिराइव करने में कोई परेशानी नहीं होगी ज्यादा। अब ये उठा के रख दो डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर की जगह रख दो यहां से, तो ये वैल्यू आ गई न्यू डेल स्क्वायर बाय बाय डेल टी स्क्वायर की जगह आ गया वी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंटू डेल स्क्वायर बाय बाय डेल एक्स स्क्वायर। ये कैंसल आउट, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू इधर कर दें तो t बाय न्यू v इज इक्वल टू अंडर रूट t बाय न्यू। बिगिनर्स खास तौर पे जो नए बच्चे पढ़ते हैं इन सब चीजों को उन्हें सेकंड डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर आपको वेव का अच्छे से फील चाहिए तो इसके लिए जरूरी है कि सेकंड डेरिवेशन भी आपको वैसे ही समझ में आए जैसा पहला आपने देखा। तो ये स्लोप के जो फंडे करे मैंने यहां पे, स्लोप की चीजें बहुत ज्यादा डिस्कस में आने वाली हैं, ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी इस डेरिवेशन को खत्म करने से पहले एक बात और बोल दूं मैं फिर से, जो भी बोला मैंने कि वेव्स में जितने भी रिजल्ट वैलिड हैं वो सारे के सारे वैलिड तभी हैं जब आप कंसिडर करेंगे कि ऑसिलेशन स्मॉल है। स्मॉल ऑसिलेशन मतलब स्मॉल एम्पलीट्यूड, स्मॉल एम्पलीट्यूड मतलब कि जितना एंगल होगा वो छोटा होगा, तो स्लोप को आप बहुत स्मॉल मान के चल सकते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी से बड़ी बाकी सारा डेरिवेशन नोट कर लें। अब कुछ इलस्ट्रेशंस के जरिए मैं इस इक्वेशन का आपको थोड़ा फील देने की कोशिश करता हूं। ये रहा आपका पहला इलस्ट्रेशन वेव वेलोसिटी पे। एक ब्लॉक है स्ट्रिंग से अटैच 10 केजी का, स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर, लीनियर मास इज 10 ग्राम्स पर मीटर। तो यहां पे ए बी जो थोड़ा सा कर्व जैसा दिख रहे हो, नहीं दिख रहा तो जूम करके देख लो, ये जो कर्व जैसा दिख रहा है आपको वो वेव पल्स है। एक वेव पल्स सिंगल पल्स मतलब ट्रेन ऑफ पल्स जिसको कहते हैं वेव पल्स, एक वेव पल्स है वो जनरेट करी, तो ये पल्स कितने देर में ऐसे बी पहुंचेगी ये पूछ रहे हैं आपसे। तो पहले बात, क्या टेंशन ए से बी सेम रहेगा? तो देखा जाए प्रैक्टिकली तो नहीं, कुछ चेंज है लेकिन इतना कम है कि आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये एक मीटर की स्ट्रिंग है 10 ग्राम पर मीटर, मतलब पूरे स्ट्रिंग की मास कितनी है 10 ग्राम, 10 ग्राम 10 केजी के रेस्पेक्ट में तो बहुत कम है, तो स्ट्रिंग की मास यहां पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग की मास नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो ये सवाल कैलकुलस का हो जाता, जब ये आने वाले क्वेश्चंस में आपको मैं दिखाऊंगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में स्ट्रिंग की मास नेग्लेक्ट करी जा सकती है क्योंकि स्ट्रिंग की मास एक मीटर की स्ट्रिंग है 10 ग्राम मास है, तो 10 ग्राम 10 केजी के रेस्पेक्ट में हाथ में 10 किलो का एक झोला ले लो, एक 10 ग्राम का छोटा सा ले लो, समझ में आता है ना कि 10 ग्राम बहुत कम है उसके सामने, तो स्ट्रिंग की मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहां पे। ये आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन बताएंगे नहीं, वो डेटा से आपको समझ में आ जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी होती है? अंडर रूट टी बाई न्यू, यहां टेंशन एम जी के बराबर, ये एम स्ट्रिंग की मास नहीं देनी, ए से बी टेंशन ऑलमोस्ट वही होगा। अगर स्ट्रिंग की मास होती तो ए से बी टेंशन वेरी कर रही होती, लेकिन फिलहाल टेंशन वेरी नहीं कर रही, तो ब्लॉक 10 केजी का है तो आगे एम जी 10, जी को भी 10 ही ले लेता हूं। आर न्यू 10 ग्राम पर मीटर है, स्टैंडर्ड यूनिट रखोगे तो 10 ग्राम है, तो केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10^-3 ये आ गई वैल्यू, मतलब 1 0 1 0 कैंसिल, 10^3 क्या ऊपर, मतलब ये आ गया 100 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वेव की वेलोसिटी। इस पे वो सेम रहेगी यहां से यहां, तो टेंशन अगर वेरी करता है वेव वेलोसिटी भी वेरी करती है, क्योंकि स्ट्रिंग की मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ब्लॉक के सामने, तो जो मान सकते हैं कि जो टेंशन ए पर है वो टेंशन बी है थ्रू आउट, टेंशन यूनिफॉर्म, स्ट्रिंग की मास ये तो यूनिफॉर्म नहीं, न्यू टेंशन भी अगर यहां से यहां तक वही है तो वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट हो गई, तो वी आ गई 100 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या फर्क पड़ता है, टाइम निकाल लो ए से बी पहुंचने का, ए से बी पहुंचने का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 1 मीटर, स्पीड निकला 100, मगर 10^-2 सेकंड, इतने टाइम के बाद वेव पल्स ए से बी पहुंच जाएगी। तो इस क्वेश्चन में मुझे कन्वे करना था, फॉर्मूला तो लगाई हमने, कोई कमाल की चीज तो थी नहीं इसमें, लेकिन मुझे ये बात भी कन्वे करनी थी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रिंग का मास कब कंसिडर करना है कब नहीं। यहां पे स्ट्रिंग की मास 10 ग्राम है टोटल, वो 10 केजी के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, तो हम वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि एसी भी टेंशन सेम मान सकते हैं अपन, सेम मान लो वेलोसिटी सेम रहेगी वेव की, बड़े आराम से सॉल्व कर लिया हमने। अब आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लें, मैं इस क्वेश्चन अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, सेम रखता हूं डेटा, क्वेश्चन सिस्टम थोड़ी सी बदल देता हूं। आ जाओ,
वर्टिकल की जगह ले लेता हूं मैं हॉरिजॉन्टल, मानो ये ब्लॉक है 10 kg का, ये वॉल से अटैच्ड, ये पुल, ये ए और ये एंड बी, ए से बी दूरी है वही 1 meter। पूछ रहे हैं कि एक वेव पल्स जनरेट करा हमने यहां पे, तो ये पल्स ए से बी कितने टाइम पे पहुंच जाएगी वो निकाल लो। तो अभी आप थोड़ी बात कर लें और जल्दी से आप इसका सोल्यूशन करें और मेरे से कंपेयर करें। तो आप अगर तुलना करेंगे तो देखो वही कहानी, टेंशन अभी भी वही एमजी कितना है आपका, न्यू दिया हमने, न्यू दिया 10 g/m, वही 10 g/m। ये तो फिर इस क्वेश्चन, बस मैंने सिस्टम बदल दिया, बाकी चीजें तो सारी की सारी वही हैं। आप देख सकते हैं यहां पे कि टेंशन वही एमजी 10, तो वेलोसिटी वही आएगी, डिस्टेंस वही 1 meter है, तो टाइम भी वही मिलेगा। मतलब सिस्टम बदल दिया मैंने, लेकिन चीजें सारी की सारी वही हैं। तो मुझे इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका सोल्यूशन भी यही होगा। आओ फिर बदलता हूं सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन, मान ली कि सीलिंग से अटैच्ड है एक रोप, रोप की मास है एम और लेंथ है एल, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ए पे पल्स जनरेट करी हमने, ए पे पल्स जनरेट करी, तो वही सवाल फिर वही है कि जो पल्स जनरेट करी ए पर हमने, वो बी पे कितने देर में पहुंचेगी। अब आप जल्दी से वीडियो पॉज कर लें, ऐसे सॉल्व करें, लेकिन आप इसको सॉल्व करना शुरू करें उसके पहले मुझे बताओ, जैसे अभी इन दोनों क्वेश्चंस को देखा हमने, आप वैसे ही अपन इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। हमने जो दोनों क्वेश्चंस देखे उसमें ए से बी टेंशन वही मानी हमने, क्योंकि स्ट्रिंग की मास जो है वो बहुत कम थी ब्लॉक के मास के सामने। लेकिन इस बार देखो, स्ट्रिंग की मास नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप, जो मास है वो पूरे स्ट्रिंग स्ट्रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जल्दी से आप वीडियो पॉज कर लें और उसको अटेम्प्ट करें। कोई सवाल क्या था, मिटा दिया मैंने उसको भी। अ वेव पल्स इज जनरेटेड एट ए, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच बी। ये है क्वेश्चन, ध्यान दो। पहला और दूसरा जो सवाल छोटा सा देखा हमने, इन दोनों क्वेश्चन में छोटी सी बात थी कि स्ट्रिंग की मास थी नेगेजिबल ब्लॉक के वेट की तुलना में। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आप स्ट्रिंग की मास को नेगेटिव नहीं कर सकते, इनफैक्ट मास स्ट्रिंग में ही है और डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें स्ट्रिंग की मास नेगेजिबल नहीं है, तो बड़ी जाहिर सी बात है कि टेंशन ए से बी तक वेरी करेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने टेंशन निकाला है, आप देखो ए पे टेंशन क्या होगा, जीरो, ए के नीचे कुछ नहीं खींचने वाला, ए पे टेंशन जीरो, और बी पे टेंशन कितना होगा, पूरा स्ट्रिंग का जो मास है एमजी वो। तो आप कैसे निकालें अपन, तो वैसे मैं आपको क्या समझ लेनी पड़ेगी, मान लें कि यहां से एक्स डिस्टेंस चले जाते हैं अपन, ठीक है, न्यू क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ कितनी है, टोटल मास है स्ट्रिंग की एम और लेंथ है एल, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस पे जाओगे तो एक्स डिस्टेंस पे टेंशन क्या होता रहेगा, टेंशन एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, एक्स फ्रॉम ए, लोअर एंड से एक्स दूरी पे जाएंगे आप तो टेंशन कितनी होगी तो इस वाले पॉइंट पे टेंशन उतनी होगी जितना इसके नीचे वाले पार्ट का वजन है, वेट है। मतलब आपको यहां पे आके मैं खड़ा कर दूं कि बोल यहां पे पकड़, तो आपको फोर्स तो उतना ही लगाना पड़ेगा जितना नीचे हैंगिंग पार्ट है इसको पकड़ने के लिए। तो इतने पार्ट का वेट कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ में मास है m by l, तो x लेंथ में हो जाएगा m by l into x, और इसका हो जाएगा वेट m by l into x into g। ये रही टेंशन, मतलब इसे होल्ड करने के लिए इस वाले पॉइंट पे जो x दूरी पर है
इतना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। तो इस वाले पॉइंट पे कितनी होगी वेलोसिटी निकाल सकते हैं अपन, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पे यहां से एक्स दूरी पर वेलोसिटी ऑफ वेव एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वे, एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, ए से एक्स दूरी पर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है टी बाई न्यू, ये होती है वेलोसिटी। तो रख दें आप यहां से v इज इक्वल टू आ गया टेंशन है m बाई एल इंटू एक्स जी और न्यू है m बाई एल, m बाई एल, m बाई एल कट गया यहां से। तो वेलोसिटी आ गई यहां से आपके सामने v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x इंटू जी। ये देखो आप, ये है वेलोसिटी, मतलब x वैरी करता रहेगा। तो मतलब ए पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी जीरो, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां है, सो एक्स पर डिपेंडेंट है वो, तो वो तो एक्स पे वेरी कर रहा है, वो डिपेंड कर वेलोसिटी वेरी कर रही है। अगर वेलोसिटी वेरी कर रही है, चेंज कर रही है वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन भी होगी सिस्टम में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसे ही कहते हैं हम सिस्टम का एक्सीलरेशन, है ना। तो क्योंकि यहां वेलोसिटी अनलाइक जो हमने दो क्वेश्चंस करे उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इसमें वेलोसिटी एक्स पर डिपेंडेंट है, मतलब वेलोसिटी चेंज कर रही है, वेलोसिटी चेंज करेगी तो जाहिर है एक्सीलरेशन भी होगा। तो क्या इस वेव का एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं अपन, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अभी जो काइनेमैटिक्स हो गया पूरा का पूरा, ये एक्सीलरेशन लिख सकते हैं ना, वी डी वी अपॉन डी एक्स। काइनेमैटिक्स में आपको पढ़ाया था मैंने, ए होता है वी डी वी अपॉन डी एस, डी एस एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो यहां डिस्प्लेसमेंट एक्स किया ना था लोअर एंड से, तो यहां से लिख सकते हैं आप। तो वी वी है अंडर रूट एक्स जी और dv अपॉन डी एक्स, वी की जगह रूट एक्स जी, तो ये आ गया यहां से रूट एक्स जी। रूट एक्स जी का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, वन बाई टू रूट एक्स, रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स इंटू रूट जी, डिफरेंशिएशन किया जस्ट मैंने, देखो रूट जी तो कांस्टेंट था तो बाहर कर दिया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई टू रूट एक्स, बस इतनी सी बात है। तो यहां से रूट एक्स रूट एक्स कैंसल, रूट जी इंटू रूट जी आ गया जी, ये आ गया जी बाई टू, मतलब ये वेव ए से ट्रैवल कर रही है तो इस ट्रैवलिंग के दौरान वेव का एक्सीलरेशन कितना है, जी बाई टू। अब एक्सीलरेशन मिल गया तो अब टाइम निकाल लो, इनिशियल वेलोसिटी ए पर कितनी होगी, ए पर वेलोसिटी कितनी होगी, ए मतलब कि एक्स घट के, ए मतलब यहां पहुंची, ए यहां इस वाले पॉइंट पे, एक्स घट के कितना हो जाएगा जीरो, तो ए वाले पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, एक्स अगर जीरो रखोगे तो वी भी जीरो बन जाएगा। अब निकाल लो, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्योर काइनेमैटिक्स, एस मतलब डिस्टेंस, तो वेव को ए से बी ट्रैवल करने में कितने डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, एल लेंथ है तो एल कवर करनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सीलरेशन वेव का है जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से टाइम टी आ गया, टी इज इक्वल टू, अभी कार्पेट लो यार, 4L by under root of 4L by g, 4 को 4 के रूट से बाहर कर लो, ये सब छोटी बातें अपन कर सकते हैं, जो करना है आप कर लो। ये आ गई टाइम अंडर रूट 4L by g। तो ये चीज आपको एक अच्छी मिली यहां पे, कैलकुलस बेस्ड अप्रोच था क्वेश्चन के अंदर, और आप देख रहे थे कि वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी, तो ये काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। जल्दी से आप चाहे तो गोली पास के सारी चीजें नोट कर लें, हम चलते हैं इसी अप्रोच को एक और क्वेश्चन में देखते हैं। आओ सेम क्वेश्चन में स्टेटमेंट है आपसे, जल्दी से मैं जब तक मिटा रहा हूं तब तक आप इसे नोट करिए। वही सिस्टम रखता हूं, बस मैं अब इस बार एक ब्लॉक लगा देता हूं नीचे, ये स्ट्रिंग और नीचे एक ब्लॉक कैपिटल एम मास का ब्लॉक, स्ट्रिंग की मास स्मॉल एम लेंथ एल। सवाल वही है, वेव पल्स जनरेट कर, ये पॉइंट ए और टॉप मोस्ट वाला जो पॉइंट है ये है बी, एक पल्स जनरेट करी हमने ए पर, तो ये पल्स ए से बी कितने टाइम में पहुंचेगी, ये आपका क्वेश्चन। अब जल्दी से आप चाहे तो वीडियो पॉज के सारा सारा नोट कर लें, उसके बाद का सॉल्यूशन मैं बनाता हूं। इस वाले क्वेश्चन में भी अगर अभी जो क्वेश्चन करा उसे कंपेयर करेंगे आप, तो टेंशन वेरी करेगी कि स्ट्रेन की मास नेग्लिजिबल नहीं है, मास एम है,
तो क्या फर्क है? कोई खास फर्क नहीं है, फर्क बस इतना है कि आप ए से एक्स डिस्टेंस पे अभी आप गए थे तो बस स्ट्रिंग की मास थी, यहां पे ब्लॉक का भी मास आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है क्वेश्चन के अंदर, और फिर बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। आइए निकाल लेते हैं। अब आपने सॉल्व कर लिया होगा और आपका सोल्यूशन आपका आंसर वही आया होगा जो मैं लाने वाला हूं, और किसी किस्म की परेशानी हुई है, अब आप सोल्यूशन अब आप देखिए। हम ए से चले जाते हैं एक्स डिस्टेंस पे, ए से चले गए एक्स डिस्टेंस पे, वही कहानी, टेंशन एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, मास पर यूनिट लेंथ कितनी होगी स्ट्रिंग की, स्मॉल एम बाई एल। सवाल वही है, वेपर जनरेट किया ए पे, बी पे कब पहुंचेगी, मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल एम, मास है लेंथ है लेकिन एम बाई एल। यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाओगे बोलो मैं कि यहां पे जाके पकड़ो भागी को, तो यहां पे आके पकड़ोगे तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एक तो ब्लॉक को होल्ड करना है और नीचे इतनी मास है उसे होल्ड करना है, मतलब हो जाएगा एम बाई एल इंटू एक्स, ये हो गया एक्स लेंथ में मास इंटू जी प्लस ब्लॉक का प्लस एम जी। मतलब इसे आप चाहे लिख सकते हैं, अगर जी कॉमन कर दें, एम बाई एल इंटू एक्स प्लस कैपिटल एन इंटू जी। आपने बोले इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं आप, टेंशन की देखो वेरी करी, एक्स चेंज करोगे आपको टेंशन भी वेरी करेगी, तो क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं आप, निकाल सकते हैं इस पॉइंट, निकाल सकते हैं, निकाल लो भाई। वेलोसिटी एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, ए से एक्स दूरी पर वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालने जा रहे हैं अपन। तो वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ टी बाई न्यू, तो वेलोसिटी आ गई अंडर रूट ऑफ टी की जगह लिख सकते हैं स्मॉल एम बाई एल इंटू एक्स प्लस कैपिटल एम इंटू जी, न्यू की जगह स्मॉल एम बाई एल, डिवाइड कर दें तो आप यहां वी इज इक्वल टू क्या हुई बोलिए यहां से एम बाई एल डिवाइड कर दें, इसमें एम बाई एल कट गया, दिया गया स्मॉल एक्स प्लस ये आ गया कैपिटल एम इंटू एल, कैपिटल एम इंटू एल बाई स्मॉल एम वी इंटू जी। ये रही वेलोसिटी एक्स डिस्टेंस पे, क्या पूछ रहे हैं आपसे, वो पूछ रहे हैं कितने टाइम के बाद ये जो वेव है वो पहुंच जाएगी बी के पास, तो वेलोसिटी तो आ गई यहां से अंडर रूट ऑफ स्मॉल एक्स, ये वेलोसिटी। एक्सीलरेशन निकाला जाए तो निकाल सकते हैं अपन, वेव की वेलोसिटी वेरी कर रही कि नहीं कर रही, एक्स अगर चेंज करोगे तो वेव की वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो वेव की वेलोसिटी वेरी कर रही है तो एक्सीलरेशन भी होगा सिस्टम में, जैसे भी बनाया था वैसे भी बना सकते हैं। एक और तरीका देख बताता हूं आपको, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एम एल बाई स्मॉल एम एम L by small m into g। ये वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वहां से लिख सकते हैं dx upon dt, t आ गया dx by, इधर नीचे कर दें तो अंडर रूट ऑफ x प्लस एम एल बाई एम इंटू जी इज इक्वल टू डी टी। क्लियर है पॉइंट, तो टाइम हमने चाहिए जीरो से टी, टी मान लिया कि टी टाइम लगा यहां से यहां पहुंचने में, और x की बात करें तो x जीरो से l तक, यहां पे x जीरो b पे पहुंच जाएगा, तो x l तो 1 बाई टू, 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टू रूट एक्स, 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन, या आपके रेफरेंस के अलग से मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये होता है कितना, x की बात माइनस वन बाई टू प्लस वन, वन बाई टू टू रूट एक्स, टू रूट एक्स, ये आ गया टू रूट एक्स प्लस एम एल बाई स्मॉल एम इंटू जी जीरो से एल इज इक्वल टू डी टी का इंटीग्रेशन टी टी माइनस जीरो टी आ जाएगा, ये देख लो भाई है ना, डी टी का इंटीग्रेशन टी लिमिट सब कोई टी माइनस जीरो तो टी मिलेगा, तो टाइम टी की वैल्यू आ गई यहां से, अब क्या परेशानी है, टाइम टी इज इक्वल टू मिल गया, यहां से पहले कैपिटल एल रख देंगे एक्स की जगह पर, तो आ गया टू रूट कैपिटल एल प्लस एम एल बाई स्मॉल एम इंटू जी,
माइनस साइन लेके जीरो रखेंगे, देख जीरो हो गया तो बच गया टू रूट एम एल बाय स्मॉल एन टू जी। ये रहा टाइम वेव का नीचे से ऊपर पहुंचने का। कैलकुलेशन के जरिए छोटा बड़ा जो भी हुआ हो, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं थी। आप पिछला बोझ भी ले सकते थे पिछले, अब इसकी जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन हमने इसके पहले क्या किया, एक्सेलरेशन निकाल लिया था यूडी अकाउंट डीएक्स, आप यहां भी निकाल सकते एक्सेलरेशन। फिर एस बराबर यूडी प्लस आप यूडी स्क्वायर लगाते, तो इस बार इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के लिए ए पर आते तो ए के लिए एक्स जीरो रखते, इनिशियल वेलोसिटी ये मिलती आपको एम एल बाय एम इन टू जी। इनिशियल वेलोसिटी आती है एस बराबर यूडी प्लस आप यूडी स्क्वायर, वैसे निकाल सकते थे आप, तो वो टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है ना। लेकिन देखो मैं अगर वो फॉर्मेट यूज नहीं करा तो मुझे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया, डीएक्स अपॉन डीडी में कन्वर्ट कर दिया तो बड़े आराम से लेके आ गया। अब वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये आ गई चीज। अब आइए एक क्वेश्चन और देख लो इस पे। तो आई होप कि जो मैं इलस्ट्रेशंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वेव वेलोसिटी के, वो सब चीजें आपको समझ में आ रही है। आप देख रहे हैं कि टेंशन कॉन्स्टेंट भी है, टेंशन वेरी भी कर रहा है, टाइम डायरेक्ट डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से भी निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी से भी निकाल रहे हैं, टाइम के लिए कैलकुलस की जरूरत भी पड़ रही है। लेकिन कोई ऐसी कमाल की चीजें नहीं है ये सब जो हम समझ ना सके। अब आइए एक क्वेश्चन और देख लो इसमें। क्वेश्चन वही रहने देता हूं, वेव पल्स जो है वो ए से बी पहुंचने में कितना टाइम लेगी, सिस्टम बदल देता हूं। मानो ये ब्लॉक सस्पेंडेड है कैपिटल एन, ये पुली, यहां से स्ट्रिंग है और यहां से थोड़ी सी मोटी स्ट्रिंग है, ये वॉल पे फिक्स है, ये ए, ये बी और ये मान लिया तो बीच वाला सी। ये लेंथ लीनियर मास डेंसिटी इसकी है न्यू, लेंथ है एल, इसकी लीनियर मास डेंसिटी है टू न्यू, लेंथ है एल। सवाल वही है, ए पे अगर पल्स जनरेट करेंगे तो वो पल्स बी पे कब पहुंचेगी। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप बड़े आराम से खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। फर्क क्या पड़ेगा, टेंशन तो वही रहेगी, टेंशन वेरी करेगी तो स्ट्रेंथ टूटी आएगी ना भाई, तो टेंशन तो वही है, टी जो है आपका पूरे स्ट्रिंग में वही रहेगा टी कैपिटल एम जी। लेकिन ए से सी तक न्यू है, न्यू यहां पर, और सी से बी तक वो है टू न्यू, तो टाइम अगर ए से बी चाहिए तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा ए से सी और टाइम निकालना पड़ेगा सी से बी। ये टाइम है, इसको टेंशन ना समझ लें, स्मॉल टी लिख देता हूं। थोड़ा सा हिंट देता हूं बस, बाकी सॉल्व कर लेना, आई थिंक कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। टाइम चाहिए ए से बी तक का, तो ए से बी तक का टाइम चाहिए मतलब ए से सी और सी से बी। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस एल, ए से सी डिस्टेंस तो एल है, स्पीड ए से सी भी निकाल लें, सी से बी डिस्टेंस बी एल है, स्पीड सी से बी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट टी बाय न्यू, तो टेंशन तो वही है एमजी के बराबर, एमजी ए सी सी लीनियर मास डेंसिटी है न्यू, सी से बी टेंशन वही है एमजी, लेकिन सी से बी लीनियर मास डेंसिटी है टू न्यू, टू न्यू। अब एलसीएम ले लो, ये आ गया टाइम आपका, तो वैरायटीज बना सकते हैं थोड़ी बहुत। अब आइए छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। तो छोटी सी चीज थी, ऐसा कुछ कमाल की चीज नहीं थी इसके अंदर, बड़े आराम से आपने सॉल्व कर लिया होगा आई होप। अब आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी से आप वीडियो बॉक्स से आप चाहे तो नोट कर लें, ऐसे वैसे लेना है वो तो आप कर ही सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन और देखो इस पे। मैंने पूरे डेरिवेशन के दौरान जो एक आपको स्मॉल ऑसिलेशन वाला पार्ट बताया था,
कि जो हम वेव्स में जो सारे रिजल्ट्स डिराइव करते हैं उन सारे रिजल्ट्स में ये मान के चलते हैं कि ऑसिलेशन स्मॉल है, मतलब उनमें सारे एंगल्स होंगे छोटे, स्लोप होगी स्मॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एनर्जी की बातें करूंगा आपसे, तो वहां पे वो चीज आएगी सामने, तो इसे आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ स्ट्रिंग है ये ब्लॉक, मान लो ब्लॉक का मास है कैपिटल एन, स्ट्रिंग की मास स्मॉल एम और लेंथ एल। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहां पे वेव पल्स जनरेट किया मैंने। तो सवाल ये है कि वेवलेंथ ए वाले पॉइंट पे 0.06 मीटर है, जब पल्स हमने जनरेट करी तो उस वक्त जो वेव है उसकी वेवलेंथ है 0. वेव जनरेट करी हमने, उस वेव की वेवलेंथ है 0.06 मीटर। तो वेवलेंथ कितनी होगी जब वो पहुंचेगी बी पर? फाइंड लैम्डा बी। आप ढूंढ के बताइए कि जब बी पॉइंट पे वेव पहुंचेगी तो उस वाले पॉइंट पे वेवलेंथ कितनी होगी। तो जल्दी से आप इसे पॉज करके सॉल्व करो। चलिए आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो सवाल क्या था कि वेव जनरेट करी हमने यहां पे, ए वाले पॉइंट पे वेवलेंथ 0.06 मीटर, बी वाले पॉइंट पे कितनी होगी। आइए निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इनटू द लेंथ। वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट पी बाई न्यू। हाँ, ए से बी तक टेंशन वेरी करेगा, हम बात करते हैं इसकी, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो अंडर रूट टी बाई लैम्डा, रीअरेंज कर रहा हूं थोड़ा, न्यू इधर भेज रहा हूं, इज इक्वल टू एफ इंटू रूट न्यू। आप आरएचएस वाले टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करें, एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो वेव की कॉन्स्टेंट रहेगी, तो सोर्स की प्रॉपर्टी रहती है जिसने वेव जनरेट करी है। न्यू लीनियर मास डेंसिटी, वो भी कॉन्स्टेंट है। तो ये वाला टर्म है कॉन्स्टेंट, मतलब अंडर रूट टी बाई लैम्डा ये है कॉन्स्टेंट। फिर से देख सकते हैं यहां पर, मतलब ये किसी भी पॉइंट पर ये रेशियो कॉन्स्टेंट मिलेगी आपको। तो लिख सकता हूं मैं कि अंडर रूट ये जो रेशियो है ये है कॉन्स्टेंट है रेशियो, मतलब मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ टेंशन एट ए बाय वेवलेंथ एट ए इज इक्वल टू अंडर रूट टेंशन एट बी बाय वेवलेंथ एट बी। तो इज इक्वल टू आ गया टेंशन एट ए, अगर निकालने जाओगे तो ए वाले पॉइंट पर टेंशन कितना है? कैपिटल एन। एक काम करता हूं, इसके मास को मैं कैपिटल एम ही मान लेता हूं, काट कट पड़ जाएगा, बस इसलिए दिया है मैंने, और कोई कमाल की चीज नहीं है। मैंने मान लिया कि स्प्रिंग की मास भी कैपिटल है, तो टेंशन एट ए, ए वाले पॉइंट पर टेंशन कितना होगा? एमजी के बराबर, तो अंडर रूट ऑफ एमजी बाय वेवलेंथ एट ए 0.06 मीटर, ये जो दिया है क्वेश्चन में। टेंशन एट बी, बी वाले पॉइंट पर टेंशन, तो रोक का मास और ब्लॉक का मास, तो एम और एम क्या हो गया? 2m, तो अंडर रूट 2mg बाय वेवलेंथ एट बी, एमजी एमजी कैंसिल, वेवलेंथ एट बी आ गया 0.06 रूट 2। काट पिट जो है वो कर सकते हैं आप, रूट 2 बराबर 1.4 लिख के जो लिखना है वो कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है वो। तो ये आ गई वेवलेंथ एट बी। तो वेलोसिटी ऑफ वेव और स्ट्रिंग के हमने दो डेरिवेशंस देखे, एक में स्लोप का अप्रोच था, एक में हमने फ्रेम का अप्रोच लेके बनाया। आप दूसरे और इसके सारे इलस्ट्रेशंस भी देखें, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, रटने ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने काफी इलस्ट्रेशन के जरिए आपको कोशिश कराया कि आपको फील थोड़ा सा आ जाए कि वेलोसिटी ऑफ वेव्स और स्ट्रिंग है क्या बेसिकली। लेकिन प्रैक्टिस जारी रखिए, जो भी आपको मटेरियल मिले वो आप उसे सॉल्व करिए। किसी किस्म की परेशानी है तो मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपके जहन में, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अगर ऐसे बच्चे हैं जो बहुत काबिल हैं लेकिन बड़े बड़े बैनर्स की क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये मुहिम खास तौर पर मैंने उनके लिए शुरू करी है। तो किसी किस्म की परेशानी हो तो मुझे बताइए, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।